मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया खुशबूदार चाय का मसाला। चाय हम सुबह उठते ही पीना पसंद करते हैं। सुबह उठते ही हमारा पहला काम होता है कि हम फटाफट उठें और चाय बना लें। चाय अगर अच्छी बनी हो तो हमारा दिन जो है बहुत अच्छा निकलता है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और अगर चाय अच्छी ना बने, हमें उसमें अच्छी खुशबू ना आए, तो हमको जो है बिल्कुल ताजगी नहीं लगती है और दिल करता है एक कप और चाय का पिए जो कि बहुत अच्छा बने। तो हम ऐसी नौबत ना लाए, ऐसी चाय बनाए कि हमारा जो चाय खुशबूदार भी बने और टेस्टी भी बने और हम फ्रेश भी कर दें, सारी थकावट को हमारी दूर कर दें। तो हम बातें करते रहेंगे या चाय का मसाला बनाएंगे, तो शुरू करते हैं फटाफट चाय का मसाला बनाना। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। चाय का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए मोटी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, दालचीनी और लौंग। चाय का मसाला बनाना शुरू करते हैं। चाय का मसाला बनाने के लिए हमने ये 20 मोटी इलायची लिए, तकरीबन 30 लौंग लिए हैं और एक बड़ी स्टिक जो है दालचीनी के लिए। ये हमने सौंफ ली है तकरीबन 3 चम्मच और ये छोटी इलायची है ये हमने ली है तकरीबन 45। हमने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से और इसको अपने मिक्सी के जार में डाल लेंगे। मिक्सी के जार में हमने जो है ये सब चीज़ें डाली हैं, पांचों के पांच चीज़ें हमने मिक्सी के जार में डाली हैं। इसको हम अच्छा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक हमने पीसना है, तो इसको अच्छे से पीस लेते हैं। हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल हमने इसका जो है पाउडर बना लिया है। थोड़ा थोड़ा इलायची के जो छिलके हैं थोड़े आपको नजर आएंगे इसमें। अगर आप इसको और पीसना चाहते हैं तो और पीस सकते हैं, पर और पीसने की जरूरत नहीं है। मसाला हमारा बहुत बढ़िया बनकर तैयार है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हमें ज़्यादातर इसको खोल कर नहीं रखना है, इस तरह से ढक लेंगे, नहीं तो इसकी खुशबू जो है कम हो जाती है। फटाफट हमने जो है इसको बॉटल में बंद कर रख लेना है और तभी खोलना है जब हमने इसको चाय बनानी है। आप जब चाय बनाएं, आप अगर 2 जनों के लिए चाय बना रहे हैं तो ये 1/3 स्पून जो है चाय का मसाला डाल लें और इसको अच्छे से बॉईल करें। आपकी चाय बहुत ही बढ़िया टेस्टी चाय बनेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको जो है अब हम एक किसी भी बोल में या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख देंगे। तो ये हमने एयरटाइट कंटेनर लिया है, इसमें हम डाल देंगे इसको, या किसी भी बॉटल में आप इसको भरकर रख सकते हैं। जब चाहें आप इसको चाय बनाने से पहले निकालें, इसको पानी में डालें, अच्छे से बॉईल करें और चाय आपकी बनकर तैयार। तो ये मसाला बहुत बढ़िया बना है, आप इसे ज़रूर मेरी इस रेसिपी के से बनाएं। और अगर आपको चाय इसकी अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।